दर्शक है वो देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही है, भव्य आयोजन यहाँ पर। हेलो 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 हेलो, क्या कह रहे हैं? बाहर की है ना, इसलिए हो रहा है। हेलो हेलो हेलो, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो गोरखनाथ मंदिर के महंत वो यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं, और यहाँ पे किस तरीके से अद्भुत दृश्य है यहाँ पर कि गोरखनाथ महंत जो है वो यहाँ पर तौर पे सामने देख पा रहे होंगे कि सभी देवी देवताओं की यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। इससे पहले जो योगी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अंदर गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की थी, और नाथ समुदाय की जो परंपरा है उसको निभाते हुए यहाँ पर आपको आज सीएम योगी नए रूप में नजर आ रहे होंगे। नाथ समुदाय की परंपरा को निभाते हुए जिस तरीके से गोरखनाथ पीठाधीश्वर यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं, और साफ तौर पर हमारे जो दर्शक हैं वो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि कितना किस तरीके से जो है वो अपनी समुदाय की नाथ समुदाय की चीज़ों को निभाते हुए यहाँ पे पूजा अर्चना की जा रही है। साथ में जो है उनके कई सारे जो महंत हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और पूजा अर्चना में हिस्सा ले रहे हैं, और ये किस तरीके का यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही है। और इसके बाद पूजा अर्चना करने के बाद में यहाँ पर सभी देवी देवताओं की जाएगी, और उसके बाद जो महंत योगी है वो मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे और दोबारा से वहाँ पे पूजा की जाएगी। लगभग 3 बजे के लगभग वहाँ पर जो यात्रा है वो यात्रा निकाली जाएगी, और ये यात्रा ये देखिए सीएम योगी ने अपनी नाथ समुदाय की परंपरा को निभाते हुए आपको नजर आ रहे होंगे, और पूजा यहाँ पर की जा रही है। जो बाकी जो संत है वो मौजूद है, और गोरखपुर में आज का जो दिन है विजयदशमी का जो आज का जो दिन है वो काफी ज्यादा अहम हो जाता है, और सबसे ज्यादा अहम ये दिन इसलिए हो जाता है क्योंकि कलश यात्रा को इसके बाद यात्रा को लेकर उसके बाद में यहाँ पर 3 बजे के लगभग जो है वो यहाँ पर यात्रा निकाली जाएगी, और उसके बाद यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पे पूजा अर्चना करने के बाद में यहाँ पर यात्रा निकाली जाएगी। 3 बजे के लगभग जो है वो यात्रा निकाली जाएगी, और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जिस तरीके से भव्य नज़ारा है यहाँ पर, और लोगों को देख के यहाँ पर जो लोग हैं लोग भक्ति में सराबोर हो चुके हैं, और यहाँ पर जो ये डमरू आप देख पा रहे हैं ये डमरू जो है और ज़्यादा खास हो
आप ये वाराणसी से लेकर आए हैं, ये वाराणसी जो जो कारीगर है ये वाराणसी से आए हैं और ये टब जो है ये देखिए वाराणसी से आए हैं, हम बात करते हैं, बताइए महाराज जी आ रहे हैं अभी बात करना। ये महाराज ये देखिए यहाँ पे ये जो लोग हैं ये जो है वाराणसी से ये लोग आए हैं, ये बताइए कहाँ से आए हैं आप, क्या कहेंगे आप कहाँ से आए? वाराणसी, वाराणसी काशी से। ये डमरू किस चीज को दर्शाते हैं? आवाज नहीं आ रही है डमरू। हम योगी की जो विशेष पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं गोरखनाथ मंदिर से, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। आज ये विशेष पूजा की जाती है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं गोरखपुर से, जहां इस वक्त सीएम योगी नजर आ रहे हैं गोरखपीठाधीश्वर की भूमिका में और पूजा अर्चना, पहले उन्होंने अंदर मंदिर में पूजा अर्चना की है और उसके बाद अब बाहर आए हैं। देख सकते हैं हर तरफ वाद्य यंत्रों से इस वक्त गूंज उठी है पूरी ये पूरा ये मंदिर, मंदिर परिसर में हर तरफ इस वक्त गूंज सुनाई दे रही है ढोल लगाड़े की और विशेष पूजा अर्चना इस वक्त सीएम योगी कर रहे हैं, क्योंकि जितने मंदिर बने हैं वहां हर एक मंदिर में जाकर सीएम योगी पूजा अर्चना कर रहे हैं और तस्वीरें आप देख सकते हैं। सीएम योगी की जहां आज शोभा यात्रा निकाली जाएगी, लेकिन उससे पहले ये खास पूजा होती है जो आज के दिन ही की जाती है। सीएम योगी इस वक्त विशेष पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले अभी कुछ देर पहले आपने देखा श्रीनाथ जी की पूजा अर्चना की है, इसमें नाथ संप्रदाय के साधु संत और उनके अनुयायी आज पहुंचे हैं जो सीएम योगी का तिलक भी करेंगे, आरती भी उतारेंगे और उनका आशीर्वाद भी लेंगे। करीब 3 से 4 घंटे तक ये पूरा कार्यक्रम है, पूजा अर्चना है जो चलेगी और 3 बजे के बाद नाथ पंथ की विशेष वेशभूषा में आप देख सकते हैं नजर आ रहे सीएम योगी और 3 बजे के बाद ये शोभा यात्रा निकाली जाएगी जिसकी अगुवाई सीएम योगी करेंगे। हेलो 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 हेलो, मैं बोलूंगी ये विजुअल सिखाएंगे है ना, ठीक है।
और चलिए सीधे रुक करते हैं, प्रीति हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जो हमें तस्वीरें लगातार पहुंचा रही हैं, जानकारी भी दे रही है। प्रीति अभी ये जो विशेष पूजा अर्चना जो चल रही है, ये क्या पूजा अर्चना चल रही है अभी? बिल्कुल, मैं बता दूं कि इस समय हम मंदिर में, गोरखनाथ मंदिर में मौजूद है और आप देख पा रही होगी कि किस तरीके से विशेष पूजा अर्चना जो है वो यहाँ पर चल रही है। जो आज जो सीएम योगी है वो आपको नाथ समुदाय की परंपरा को निभाते हुए नजर आ रहे होंगे, और जो अंदर जो गोरखनाथ मंदिर के अंदर जो पूजा अर्चना चल रही थी उसके बाद में अब वो मंदिर परिसर में जो बाकी जो देवी देवता है उनको लेकर उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। और अब मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगी कि वो दिखाए कि किस तरीके से जो पूजा अर्चना जो है वो सीएम योगी जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। विधि विधान के साथ यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है और यहाँ पर जितने भी मंदिर परिसर में जितने भी देवी देवता हैं सभी की यहाँ पर पूजा अर्चना जो है वो यहाँ पर करेंगे। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाएगी और उनके साथ आप देख पा रही होंगी कि कई सारे जो साधु संत हैं वो उनके साथ यहाँ पर मौजूद हैं। पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही है, उसके बाद जब सभी देवी देवताओं की यहाँ पर पूजा अर्चना कर ली जाएगी उसके बाद जो है वो सीएम योगी जो है फिर दोबारा से गोरखनाथ मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे और उसके बाद एक बार दोबारा से पूजा अर्चना वहां पर की जाएगी और उसके बाद लगभग 3 बजे के लगभग जो है वो यहां से मंदिर परिसर से होते हुए जो यात्रा है वो यहां पर निकाली जाएगी, क्योंकि विजयदशमी का जो दिन है वो गोरखपुर के लिए सबसे ज़्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि आज जो है कई सारे कार्यक्रम जो है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर अहम हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि आज जो है वो सीएम योगी जो है वो आपको नए रूप में, दो रूपों में नजर आते हैं। एक तो जब वो लखनऊ में होते हैं, उत्तर प्रदेश की कमान संभाल रहे होते हैं, तो वो सीएम योगी की भूमिका में नजर आते हैं, लेकिन जब वो गोरखपुर पहुंचते हैं और मंदिर परिसर में होते हैं तो वो यहाँ पर गोरखनाथ गोरक्षा पीठाधीश्वर की जो उसमें नजर आते हैं कि, और आप यहाँ पे उसी रूप में आज उनको आप देख पा रही होंगी और वो यहाँ पर पूजा अर्चना यहाँ पर कर रहे हैं। 3 बजे के लगभग ये पूजा अर्चना जो है अभी यहाँ पर लगभग 2 घंटे जो है वो पूजा अर्चना और चलेगी, जो लगातार यहाँ पे पूजा अर्चना दी 2 घंटे का समय और है, 2 घंटे लगभग यहाँ पर पूजा अर्चना चलेगी, क्योंकि मंदिर परिसर में जितने भी देवी देवता है सबकी पूजा अर्चना जो है वो विधि विधान के साथ की जा रही है। बनारस से जो है वो लोग यहाँ पर आए हुए हैं, आप ये पास सामने देख पा रही होगी कि जो डमरू जो यहाँ पर बजा रहे हैं वो बनारस से उन लोगों को बुलाया गया है और यहाँ पर बाकी जो लोग हैं यहाँ पर जो और संत हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और सीएम योगी के साथ अंदर जो है वो पूजा अर्चना यहाँ पर कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर यहाँ से निकलने के बाद में 3 बजे के लगभग इसी मार्ग से होते हुए, मंदिर के बाहर से होते हुए एक यात्रा निकाली जाएगी और ये यात्रा सबसे ज़्यादा अहम इसलिए है क्योंकि इसमें सभी समुदाय के जो लोग हैं वो यहाँ पर, सभी समुदाय के जो लोग हैं वो यहाँ पर इसमें इस यात्रा में शामिल होंगे। और अभी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ साधु संत हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ कारीगर मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं और जानते हैं कि आज का दिन गोरखपुर के लिए अहम क्यों हो जाता है। ये बताइए, आज का दिन सबसे ज़्यादा गोरखपुर के लिए अहम क्यों हो जाता है विजयदशमी के दिन? ये हम लोगों के लिए सौभाग्य और गर्व का विषय है कि गोरक्ष पीठाधीश्वर अपने परंपरागत स्वरूप में आकर के बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी की आरती और पूजा अर्चना करने के बाद, सभी मंदिरों में भोग प्रसाद करने के बाद गोरक्ष पीठाधीश्वर का राष्ट्रतिलक किया जाता है। राष्ट्रतिलक करने के पश्चात एक भव्य शोभा यात्रा मानसरोवर के लिए प्रस्थान करती है। बाबा शिव की पूजा अर्चना करने के बाद, रामलीला प्रांगण में पहुँचने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का राज्याभिषेक, तिलक और आरती करने का कार्य गोरक्ष पीठाधीश्वर परम पूज्य महाराज जी के द्वारा किया जाता है। और भी लोग हैं यहाँ पे, बहुत सारे संत हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं दर्शन करने के लिए, उसी पे बात कर लेते हैं। बताइए, क्या रूपरेखा रहेगी इसके बाद, इस पूजा अर्चना होने के बाद में क्या रूपरेखा रहेगी, क्या कार्यक्रम रहेगा? ये बुराई पे अच्छाई की जीत है और आज ये साबित होता है कि उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारतवर्ष में राम राज्य स्थापित हो गया है। ये जुलूस भगवान श्री राम जैसे त्रेता युग में रावण को मार करके और अयोध्या में विजयदशमी मनाए थे। रूपरेखा रहेगी इसके बाद, यहाँ पूजा अर्चना जब खत्म हो जाएगी उसके बाद क्या कार्यक्रम रहेगा पूरा?
भगवान राम लला के राजाभिषेक पर जाके समाप्त होगा और पूज्य महाराज जी हर मठ हर मंदिर को पूजा करेंगे। उत्तर प्रदेश की कल्याण मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। भव्य दृश्य यहाँ पर रहेगा क्योंकि जिस तरीके से शोभा यात्रा निकाली जाती है और ये शोभा यात्रा वो शोभा यात्रा है जिसमें हर समुदाय के जो लोग हैं वो इस पूजा अर्चना में जो शोभा यात्रा में शामिल होते हैं। मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो भी इस शोभा यात्रा में होते हैं और सीएम योगी का स्वागत करने के लिए फूलों की बारिश की जाती है, फूलों की वर्षा की जाती है, उनके ऊपर फूल डाले जाते हैं क्योंकि आज जो सीएम योगी है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है बल्कि आज जो है वो माँ समुदाय की परंपरा को निभाते हुए महत की भूमिका में यहाँ पर निभा यहाँ पर नजर आते हैं। तो ये जो शोभा यात्रा है और ये आज जो विजयदशमी का जो पूरा कार्यक्रम है जिस तरीके से गोरखपुर के लिए सबसे ज्यादा अहम हो जाता है, सबसे ज्यादा खास हो जाता है और लोग इसका बेशर्मी से इंतजार करते हैं, पूरे साल इसका इंतजार किया जाता है क्योंकि जब वो अपने मुख्यमंत्री को अपने सीएम को इस रूप में देखते हैं तो वो यहाँ पर जो लोग हैं वो काफी ज्यादा उनको खुशी महसूस होती है क्योंकि ये जो रूप है इस रूप में जब वो अपने सीएम को देखते हैं तो उनको अलौकिक रूप जो है वो सीएम योगी का यहाँ पर नजर आता है जिसमें उनको काफी अच्छा लगता है। और साथ ही ये जो सीएम योगी है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की बागडोर उन्होंने संभाली और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को वो कमान करते हैं, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को उन्होंने संभाल रखा है, ऐसे में जब सीएम योगी जब मंदिर में होते हैं तो वैसे ही उन्होंने यहाँ पर जो महंत की भूमिका है उसको भी उतनी ही शिद्दत के साथ वो संभालते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे उनसे पूछते हैं ये बताइए जब आप अपने सीएम योगी को जब आप इस रूप में देखते हैं तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। पूज्य महाराज जी जब भी यहाँ आते हैं तो एक योगी के रूप में रहते हैं, एक यहाँ पे महंत जी के रूप में रहते हैं। सीएम की भूमिका निभाते हैं बड़ी शिद्दत के साथ, उसी तरीके से आज वो महंत की भूमिका निभाते हैं। निश्चित रूप से ये हम सनातनी लोगों के लिए बहुत गर्व का विषय है कि आज पूरे विश्व में, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे विश्व में आप कह सकती हैं जिस तरह पूज्य महाराज जी सनातन धर्म को लेकर चल रहे हैं, उस तरह से हिंदू धर्म को प्रचार कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से हम लोग गर्व की बात है, पूरे हिंदू सनातन धर्म के लिए गर्व की बात है। गर्व की बात है, ये सिर्फ गोरखपुर के लोगों के लिए नहीं, ये उत्तर प्रदेश के जितने भी लोग हैं सभी लोगों के लिए गर्व की बात है क्योंकि जब वो अपने सीएम को इस रूप में देखते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे गोरखपुर वासियों को, पूर्वांचल वासियों को इस दिन का इंतजार रहता है कि हमारे पूज्य महाराज जी यहाँ पूरे भगवान लोगों के दर्शन करेंगे, उसके बाद तिलक वाला कार्यक्रम होगा और शाम को 4 बजे यहीं से बहुत बेजुलूस निकलता है, शोभा यात्रा यहीं से निकाली जाती है। यहाँ पे कुछ संत है उनसे भी बात करते हैं, उसे भी जानते हैं। ये बताइए अभी पूजा अर्चना चल रही है, अभी सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना की जाएगी, फिर उसके बाद क्या होगा? जो आज का जो पर्व है, जो पावन पर्व दशहरा है, विजयदशमी है, वो हिंदू सनातन परंपरा के लिए एक अनूठी परंपरा है। असत्य पर सत्य की विजय का एक प्रतीकात्मक परंपरा है। गुरु गोरक्षनाथ की इस पावन जो मठ है यहाँ की भी एक परंपरा है, उस परंपरा के अनुसार यहाँ के जो पूज्य महाराज जी हैं योगी आदित्यनाथ जी महाराज आज संसार पूजा पाठ चल रहा है यहाँ पे करते हैं। जिस तरीके से सीएम योगी को हम एक नए रूप में नाथ समुदाय की परंपरा को निभाते हुए देखते हैं, अभी वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। हाँ। ये परंपरा है नाथ परंपरा, गोरखनाथ के द्वारा ये स्थापित है क्योंकि गोरखनाथ जी जो थे वो ज्वाला देवी से भिक्षा लेते हुए यहाँ आए थे त्रेता युग में और यहीं वो बैठ गए हैं। तो अभी भी वहाँ खिचड़ी चढ़ती है यहाँ पे और ज्वाला देवी में अभी भी पानी गर्म हो रहा है। तब से ये हमारी नाथ पंथ की परंपरा है कि यहाँ हर साल उसकी याद में ये सब शाही सवारी निकाली जाती है और शाम को यहाँ पर जो है पात्र देवता का स्थापना होगा और उसमें सभी भेक भगवान इकट्ठे होंगे और आदित्यनाथ जो है पात्र देवता स्थापित करेंगे और सभी उनकी पूजा करेंगे। गर्व का अनुभव करते हैं जब आप अपने सीएम को इस रूप में देखते हैं जी? गर्व का अनुभव होता है जब आप अपने सीएम को इस रूप में देखते हैं कि भगवान गोरखनाथ जी जो है वो भगवान शिव का अवतार माना जाता है,
इसीलिए यहाँ का जो पीठाधीश्वर होता है उसको उसी के रूप में देखा जाता है, इसीलिए उसको आरती पूजा उसी को करना पड़ता है पूरा। अभी आज जो है जब जब नवरात्रे होते हैं तो नवरात्रे में शक्ति की उपासना करते हैं, क्योंकि नाद बंद जो है शिव शक्ति का सामंजस्य है, इसीलिए जो है यहाँ पर जिस तरीके से बता रहे हैं जो संत हैं वो बता रहे हैं कि किस तरीके से पूजा अर्चना की जाती है, किस तरीके से नाथ समुदाय की जो परंपरा को उसी अभियोग की आगे बढ़ा रहे हैं और क्यों उनको पीठाधीश्वर कहा जाता है वो यहाँ पर जो संत हैं वो यहाँ पर बता रहे हैं। एक बार मैं यहाँ पे मंदिर परिसर में आपको दिखाऊँ कि किस तरीके का दृश्य है, किस तरीके से लोग यहाँ पर आए हुए एक झलक पाने के लिए, क्योंकि आज वो अपने सीएम को एक नए रूप अपने जिम्मेदारियों को बिल्कुल निभाते हैं। कितनी देर से खड़े हैं आप?
हम यहाँ 2 घंटे से खड़े हैं। घंटे से देखिए यहाँ पे खड़े हैं, बहुत सारे साधु संत भी हैं। ये बताइए अभी क्या कार्यक्रम रहेगा इसके बाद पूजा अर्चना के बाद? अभी सब मंदिर में पूजा होने के बाद महाराज जी का तिलक समारोह होगा, उसमें सब लोग जो जितने साधु संत आए हैं और जो मुख्य लोग होते हैं वो सभी लोग उनका तिलक करेंगे अंदर मंदिर के अंदर, तिलक हॉल बना हुआ है अंदर आश्रम में। उसके बाद सब लोग भोजन करने के बाद शाम को रथ यात्रा निकलेगी, और रथ यात्रा जो निकलती है उस रथ यात्रा में सभी लोग जाएंगे महाराज जी के साथ, और वो रथ यात्रा ये देखिए हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे चढ़ा दिया। देखिए ये वो भोग